हेलो फ्रेंड्स, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच इजी वीडियोस। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो रेस्पिरेशन से बिलोंग करता है। इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझना है। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये कह सकते हो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। दूसरी बात, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बहुत लोग कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो टेक्निकली थोड़ा गलत। आप कह सकते हो इन लेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होता है या जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। और जो एनर्जी आपको मिलेगी, आपको समझना है सिर्फ 2 ATP होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, लेकिन इसमें टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड में बनते हैं जैसे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में होता है, पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स में हमेशा होता है। यूकैरियोट्स का एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम कह सकते हैं जो लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस यूनिवर्सल कॉमन स्टेप दोनों में, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा रिडक्शन। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हो GDR। ग्लाइकोलाइसिस जो है सबसे बड़ी बात यह है, ये कॉमन रिएक्शन है। आप एरोबिक रेस्पिरेशन के भी पाथवेज देखिए, ग्लाइकोलाइसिस है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस इज द यूनिवर्सल स्टेप। क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का है वो ब्रेक डाउन होगा और आपको देगा 2 पाइरुविक एसिड। 2 मतलब 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का 1 पाइरुविक एसिड होता है, 2 ATP और 2 NADH2। अगर आप फॉर्मूला वाइज करेंगे तो C6H12O6 क्या देगा, 2CH3C OOH, ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है, और 2 ATP और 2 NADH2 मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। ये जो 2 पायरुविक एसिड बना है, यही 2 पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन का सिंपल सा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एंजाइम क्या लगेगा, डी कार्बोक्सीलेज, और क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। ये भी अब 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, 1 कार्बन निकल गया तो बचा कितना, 2 कार्बन। अब इसको हम फॉर्मूले में देखेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, जो कोफैक्टर लगेगा वो है TPP और जिंक आयन। TPP जो होता है वो है थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन जो है बेसिकली वाइटामिन B1 है। तो 2 पायरुविक एसिड देखिए, COOH ग्रुप जो है, अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है तो COOH का CO2 बाहर निकल जाता है, और एंड में आपको जो बचता है वो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO आप कह सकते हैं। और याद रखिएगा TPP सबसे इंपॉर्टेंट है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। तीसरा स्टेप जो होता है वो है रिडक्शन। ये जो 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड बना, ये रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन होगा। हाइड्रोजन देगा कौन, ये जो 2 NADH2 बना था ग्लाइकोलाइसिस में, वो अपना हाइड्रोजन देगा और खुद बन जाएगा 2 NAD। और जो हाइड्रोजन गया एसिटाल्डिहाइड को, वो कन्वर्ट करेगा उसे 2-ethyl alcohol में। यहाँ पर भी देखिए कार्बन नंबर सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एंजाइम डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाली बात, तो 2 एसिटाल्डिहाइड, 2CH3C OH। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनेगा 2CH3CH2OH। तो इस तरीके से जो 2 NADH2 बना था ग्लाइकोलाइसिस में, वो यहाँ पर यूज हो जाता है और आपके पास लास्ट में सिर्फ क्या बचता है, 2 ATP एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप ये याद रखिए GDR। अगर मैं पूरा रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा, C6H12O6 क्या देगा, 2CO2 प्लस 2C2H5OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, और 2 ATP। इस तरीके से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझनी है, अगर यूकैरियोटिक सेल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो यहां पर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में बनते हैं, जो मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह होता है वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। और भी लैक्टिक एसिड बनता है जहाँ पे हम फर्मेंटेशन में पढ़ते हैं, मिल्क जो है कर्ड में
कन्वर्ट होता है। सो इस तरीके से शॉर्ट में आप एनरोबिक रेस्पिरेशन को याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हिंदी में बनाया आपके रिक्वेस्ट पे। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं सुनील सर, थैंक यू वेरी मच।